वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं शरद सिंह दोबारा एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर हमें बेहद इंटरेस्टिंग केस स्टडी लेकर आए हैं। पॉल्यूशन नाम के एक शराब ने ना सिर्फ हमारे देश के युवाओं को बर्बाद करके रखा है, बल्कि उसने हमारी देश की इकोनॉमी को भी पूरी तरह से तबाह करके रख दिया है। भारत में हर साल पॉल्यूशन से 12 लाख लोगों की मौत हो रही है। अगर हु की एक रिपोर्ट को पैमाना माना जाए तो भारत का लगभग हर शहर पॉल्यूशन से ग्रस्त है और दिल्ली देश का सबसे पॉल्यूटेड शहर है। भारत जहां पहले पॉल्यूशन के मामले में काफी पीछे था, तो आज वो उससे काफी आगे निकल गया है। यानी चीन ने तो अपना सबक सीख लिया, पर भारत ने अब तक कोई सबक नहीं सीखा है। पॉल्यूशन से सबसे ज्यादा इफेक्टेड हमारे युवा और बच्चे होते हैं। यानी 12 लाख मौतों में से 10 लाख युवाओं की जान जा रही है और भारत यंग वर्कफोर्स भी तेजी से गंवाता जा रहा है। पॉल्यूशन के चलते कई बार फैक्ट्रीज और कई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी बंद करनी पड़ती हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर पॉल्यूशन की मार के चलते हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर पर भी इसका असर पड़ता है और देश को मोटी कमाई से हाथ धोना पड़ता है। इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर, जो भारत को अरबों डॉलर कमा कर देता है, पॉल्यूशन का असर उस पर भी पड़ रहा है। भारत में इंटरनेशनल टूरिस्ट इसलिए नहीं आना चाहते कि उन्हें लगता है कि पॉल्यूशन की मार वो झेल नहीं पाएंगे। दिल्ली जैसे शहर में जब पॉल्यूशन अपने चरम पर होता है तो कई लोग छुट्टियां लेकर उत्तराखंड, हिमाचल या फिर किसी और पहाड़ी इलाके में चले जाते हैं। तो इसका खराब असर ये भी होता है कि इन जगहों का जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वो भी पूरी तरह से तबाह हो सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी केस स्टडी जरूर पसंद आई होगी और आगे भी आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग केस स्टडीज को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।